हाँ जी, तलहा साहब हमसे सवाल कर रहे हैं कि एक किताब है सुन खाने की सुन्नतें नाम से, जिसके अंदर जिक्र है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खाना खाने की सुन्नत ये है कि एक टांग को खड़ा कर दिया जाए, दूसरी को बिछा लिया जाए, इस अंदाज़ के अंदर खाना खाना नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सर, इसकी ज़रा वजाहत कर लीजिए। बेटा ये हमारे यहाँ मशहूर है, सुन लीजिएगा, हमारे यहाँ मशहूर है पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल गलत कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ये चीज़ मनकूल है कि खाना खाने की सुन्नत ये है कि एक घुटना हम खड़ा कर देते हैं, बैठते हैं जिस वक्त, एक घुटना खड़ा कर देते हैं और एक जो है पाँव के ऊपर हम बैठ जाते हैं, इस अंदाज़ में बैठ कर खाना खाना सुन्नत, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये चीज़ गलत समझ ली जाती है। याद रख लीजिएगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से जो चीज़ साबित है वो ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खाना खाते बाद सहाबा ने देखा तो इस अंदाज़ में जिस एक पांव शरीफ को खड़ा रखा जाए, दूसरे पांव शरीफ पर बैठ, जिस तरह तहियात के अंदर बैठते हैं, तो वो रिवायात में लफ्ज़ है एक पांव को जिस तरह तहियात में हम बैठते हैं दो जानों, और एक पांव हमारा नॉर्मली इस तरह पंजे के बल होता है और एक पांव के ऊपर हम बैठे होते हैं, इस हैयत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना खाते किसी ने देखा था, वो उसने नकल किया। यही जुमला उलमा ने अपनी किताबों में लिखा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इस हालत में खाना खाते देखा गया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ फरमा थे तो एक पांव इस तरह खड़ा हुआ था, एक पांव पर बैठे हुए थे, जिस तरह तहियात में हो। ये चीज़ अब आगे चलती रही तो किताबों के अंदर जब ये देखा गया कि एक पांव खड़ा किया जाए, एक पांव पर बैठा जाए, हमारे यहाँ उस पांव खड़ा करने को ये समझ लिया गया कि जैसे घुटना खड़ा कर लिया जाए, तो हमारे यहाँ घुटना खड़ा करके एक टांग पर बैठ लिया जाता है, इस हैयत को हम समझते हैं ये सुन्नत, ये गलत है। इसलिए कि जितने उलमाए किराम ने सुन्नत की वजाहत की है सब ने जिक्र किया कि अत्तहियात की तरह जिस तरह बैठा जाता है दो जानों होकर, इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया खाना खाते हुए। तो ये जहन में रखिएगा, ये हमारे यहाँ गलत मशहूर है पाकिस्तान के अंदर, मैंने उसकी सलाह कर दी, अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। और दूसरी एक चीज़ और जहन में रख लीजिएगा कि खाना खाने के अंदर जब आप शुरू हम खाना खाते हैं ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम पढ़ते हैं खाना खाते हैं, अफजल ये है कि सिर्फ बिस्मिल्लाह फिर खाना खाया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात यही रही हैं कि बिस्मिल्लाह बस, अर्रहमान अर्रहीम अगर कोई आगे से पढ़ ले वो भी जायज़ है, मना नहीं है, आराम नहीं है, लेकिन बिस्मिल्लाह फ़कत बिस्मिल्लाह पढ़ना ये सुन्नत आई है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मनकूल। और दीगर बात यह कि अल्लाह का नाम इतना मुबारक है कि जब अल्लाह का नाम लिया जाता है वो अपनी ज़ात पाक के अंदर अपने तमाम औसाफ़ को शामिल हो जाता है, लिहाजा अल्लाह का जो नाम है वह अपने ज़ात में अपनी सिफात के तमाम सिफतों को शामिल है, फिर किसी एक सिफत को आगे जिक्र ना किया जाए शायद ये हिकमत हो। दूसरी बात, अल्लाह ने कुरान में फरमाया तबारक अस्मु रब्बी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम बड़ा मुबारक है, तो अल्लाह का नाम ही इतना बरकत लेने वाला है कि उसी का जिक्र अल्लाह ने बयान किया बिस्मिल्लाह, बस ये अफजल है। ज़्यादा खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जायज़ है ठीक है, लेकिन सुन्नत ये बिस्मिल्लाह फ़कत, उसके बाद खाना खाना शुरू कर। इसी तरीके से हमारे यहाँ खाने के हवाले से ये चीज़ भी बड़ी मशहूर है कि खाना खाने से पहले हाथ धोना सुन्नत है, ये लफ्ज़ बोल दिया जाता है। देखिएगा, कोई भी चीज़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरह मंसूब की जाए बड़ी एहतियात होती है। हमारे दीन के अंदर किसी भी खाना खाने के लिए स्पेशली हाथ धोने का ना कोई सुन्नत मरवी हुई है ना इसका सुन्नत का बयान आया है। इसके अंदर देखा, आप जब खाना खाने लगेंगे आप देखेंगे आपके हाथ अगर साफ़ हैं आप डायरेक्टली खाना खाएं, अगर आपके हाथ साफ़ नहीं है आपके हाथ पे गंद लगा हुआ है अब आप हाथों को धोएं और खाना खाएं। अगर आपके हाथ साफ़ हैं और अब आपके सामने खाना आया है और आप बोलें कि नहीं, चूँकि खाने के लिए अलग से खाने का वज़ू करना पड़ता है, खाने के लिए हाथ धोने पड़ते हैं, ये चीज़ गलत है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सामने भी ऐसा रिवाज पड़ा कुछ लोगों का, आपने कहा बिदअत है, सुन्नत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ये चीज़ मनकूल नहीं हुई है, बल्कि कई सही हदीसें मौजूद हैं, सहाबा इकराम जिक्र करते हैं कि हमने खुद देखा खाना सामने आया, स्पेशली अगर हाथ साफ़ है अब खाने के लिए हाथ धोने के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सुन्नत कायम नहीं की, ऐसी कई रिवायात मौजूद हैं। लिहाजा जहन में रखिएगा कि अगर खाना खाने के लिए आप जिस वक्त खाना आपके सामने आता है आप देखें आपके हाथ साफ़ हैं आप खाना डायरेक्टली भी खा सकते हैं, स्पेशली खाने के लिए हाथ धोना इसकी सुन्नत मरवी नहीं है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से। नंबर दो, हाँ अगर आपके हाथ गंदे हैं उसमें डस्ट लगा हुआ है, अब आपके सामने कोई खाने की चीज़ आएगी अब आप हाथों को साफ़ करेंगे फिर आप हाथों को खाएँगे, इसलिए कि आपकी सेहत ख़राब ना हो। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। जज़ाकअल्लाह खैर।